तो दोस्तों नमस्कार, आज का कुंभ राशि वालों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आज का कुंभ राशि फल क्या कहता है, आइए विस्तार से जानते हैं। कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है दिन, ये भी विस्तार से जानेंगे। धन का आगमन भी होगा और फिजूल खर्च तो बहुत ज़्यादा होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे बचाना है आपको फिजूल खर्च से अपना पैसा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए रोजाना राशिफल लाता रहता हूँ। दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कुंभ राशि वालों की किस्मत के सितारे आज चमक रहे हैं। आपके घर में पैसे का आगमन होगा तो खर्च भी काफ़ी होगा। आज के दिन किसी सामाजिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपका पैसा खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में भी आज धन का आगमन होगा, फिजूल खर्च भी लगे रहेंगे जिन पर अंकुश रखने की ज़रूरत है। विपरीत लिंगी किसी व्यक्ति से आपको आज हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधे के मामले में आप प्रगति की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छे व्यापारिक निर्णयों से व्यापार को गति मिलने और काम धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी अच्छा काम करते देखे जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आज आपको परिवार के लोगों के तरफ से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। मनोरंजन की किसी कार्यक्रम के लिए पूरे परिवार के साथ बाहर जा सकते हैं। आज आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा और आज आप अपने खाने पर भी ध्यान देंगे। खाने में पोषक चीज़ों की मात्रा बढ़ाने से आपको अधिक लाभ होने वाला है और आपका मानसिक व शारीरिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आज हम अब शुभ कलर की बात कर लेते हैं कि शुभ कलर क्या है। तो शुभ कलर आपके लिए खाकी कलर बहुत ही शुभ माना जा रहा है। दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए खाकी कलर का वस्त्र बहुत ही शुभ माना जाएगा, यह भाग्यशाली भी साबित होता है। तो आप खाकी कलर का वस्त्र धारण करें, उससे आपका दिन और बिगड़े काम आराम से बन जाएंगे। अब हम उपाय की ओर चलते हैं, जानते हैं आज का उपाय क्या है। अगर कुछ काम बिगड़ता है तो हमें क्या उपाय करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा करें और शाम के वक्त पीपल के पेड़ के 5 बार परिक्रमा करें, उससे आपका दिन और आपका काम अच्छा गुजर जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे ही रोजाना राशि फल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कमेंट में जय माता।